नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। बांग्लादेश में एक शादी समारोह में आकाशीय बिजली गिरने से परिवार पर कोहराम टूट पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा बांग्लादेश के चेपनबावगंज जिले के शिवगंज में हुआ। यहाँ नदी में तैरती नावों पर एक शख्स की शादी पार्टी चल रही थी। पार्टी में सैकड़ों लोग आए हुए थे। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था और लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए और शेल्टर लेने के लिए लोग नाव छोड़कर नदी के किनारे की ओर जाने लगते हैं। इसी बीच वे प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाते हैं। दरअसल बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। यही नहीं, आकाशीय बिजली से झुलसने के बाद कई लोग बुरी तरह घायल भी हो गए। कुछ ही सेकंड में आसमानी आफत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हादसे में दूल्हा भी घायल हो गया। शहर के एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग नदी में आंधी बारिश से बचने के लिए नाव छोड़कर किनारे आए थे, तभी बिजली गिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, दुल्हन शादी की पार्टी में नहीं थी। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि चेपनबागंज में कुछ सेकंड के भीतर कई बार आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हर साल बिजली गिरने से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस साल फिर भीषण मानसून तूफान ने दस्तक दी है। बीते दिनों कॉक्स बाजार के दक्षिण पूर्वी जिले में एक हफ्ते की मूसलाधार बारिश में 6 रोहिंग्या शरणार्थियों सहित करीब 20 लोगों की मौत हो गई। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।